नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभावी। पेश है आज की प्रमुख खबर। लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। थाना बाजार खला क्षेत्र के भूसा मंडी चौराहे से निकाली गई रैली। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू किया गया गांव-गांव पांव-पांव अभियान। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अजय त्रिपाठी के नेतृत्व में निकाली गई थी रैली। आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सम्मान नेता माननीय शिवपाल जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जन जागरण अभियान गांव-गांव, शहर डगर गांव-गांव, पांव-पांव और शहर शहर और डगर डगर का पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज तीसरे दिन मिल रोड के मवैया पुल से एबर रेडी चौराहे से होते हुए हमारे पार्टी के नेता सौद भाई के कार्यालय तक जन जागरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या माननीय हमारे क्षेत्रीय पुलिस के द्वारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस भूसा मंडी के चौराहे पर रोकने का काम किया गया है। हम लोग भी प्रशासन से ये निवेदन कर रहे हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसी सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरी है। हम उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में माननीय शिवपाल यादव जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम 2022 के चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मजबूत करना चाहते हैं। हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हम प्रधानी का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हम पार्षदी का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसलिए अपने पार्टी को गाँव गाँव में और शहर शहर में मजबूत करना चाहते हैं।